नमस्कार बच्चों, श्री एक्शन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर से जुड़े हुआ मतलब एक टॉपिक है द्वितीयक समूह, जिसको पढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताया था। बच्चों, चार स्कूलें ने अपनी किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस किताब में उन्होंने दो समूह के बारे में बात की है। और प्राथमिक समूह मैंने तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। प्राथमिक समूह में मैं आपको उससे जुड़ी परिभाषा और विशेषताएँ बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको द्वितीयक समूह पढ़ाने वाले हैं, जिनको बच्चों सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। दो तरह के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो पिछले वीडियो में हम प्राथमिक समूह पढ़ चुके हैं, आज हम द्वितीयक समूह पढ़ेंगे। बच्चों, तो द्वितीय समूह के बारे में वीर स्टेड हैं, रॉबर्ट वीर स्टेड, उनका का क्या विचार है बच्चों, ये समझने की कोशिश करते हैं। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। मतलब कहने का मतलब, जिनको हम प्राथमिक समूह में कंसीडर नहीं कर सकते, वो सब कैसे हैं द्वितीयक समूह है। ये तो हुई डेफिनेशन। एक ऐसे ही प्रोफेसर किंग्सले डेविस के अनुसार है, द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखें तो स्कूल है अपना, कॉलेज है, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल, मजदूर संघ और राष्ट्र, ये सब के कौन सी श्रेणी में आते हैं बच्चों, द्वितीयक समूह में आते हैं। कहने का मतलब है, इनसे जो हमारे संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर के संबंध होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं बच्चों, द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, समाज में विभिन्न समूह मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, उसमें प्रथम और द्वितीयक, या ऐसे कह सकते हैं प्राथमिक या द्वितीयक समूह के बारे में विचार किया गया है। जैसे जितना क्या जितना बच्चों प्राथमिक समूह की उपयोगिता होती है, वैसे ही समाज को चलाने के लिए द्वितीयक समूह की भी जरूरत होती है। क्योंकि बच्चों, सारे काम हमारे प्राथमिक समूह से पूरे नहीं होते हैं। जहाँ प्राथमिक समूह के बारे में मैंने बताया था, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, ठीक है बच्चों, या पीयर ग्रुप्स, ये सब उसमें आते हैं। अब आप जान लेते हैं बच्चों द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं बच्चों, नंबर वन, इसमें क्या है बच्चों, ये समूह होते हैं जो जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। जैसे कि बच्चों, मजदूर संघ है। मजदूर संघ क्यों किया जाता है? मजदूर संघ का गठन इसलिए किया जाता है कि मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनके काम से जुड़ी, उनकी तनख्वाह या मजदूरी से जुड़ी हुई, कि कैसे कैसे काम करना है। कभी कभी देखो, देखा गया है मजदूरों का शोषण होता है, उस शोषण को मतलब दूर करने के लिए मजदूर संघ का गठन किया जाता है। मजदूरों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों के जो जो मतलब अलाउंसेस हैं, भत्ता, महंगाई भत्ता वगैरह, या जो मांगे हैं उनकी, उनको पूरा करने के लिए ही तो हमें ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ी बनाने के लिए। वो स्थानीय लेवल पर भी हो सकती है, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो जैसे WTO है, या लेबर यूनियन ILO है, लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं बच्चों, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें जानेंगे कि इन समूह में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। बच्चों, ये द्वितीयक समूह होते हैं, ये हमारे लिए क्या है, दूर के होते हैं। कैसे के? जैसे कि मान लो एक गांव में रहने वाले लोग, तो गांव में जितने भी अड़ोस पड़ोस होते हैं, तो गाँव में तो प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं गाँव के लोगों में। जब हम वही व्यक्ति गाँव से शहर आ जाता है, तो शहर में क्या है, जगह जगह के लोग मिलेंगे आपको। जैसे अगर हम अपने दिल्ली की बात करें, राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें, तो क्या है, दिल्ली में तो हर राज्य का व्यक्ति मिल जाएगा। तो इस तरह से उनके जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, जो शारीरिक समीपता होगी वो दूर की होगी। ठीक है बच्चों, तीसरी विशेषता क्या है, इनका जो आकार होता है बच्चों, जो साइज होता है इन ग्रुप्स का, वो प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। क्योंकि अगर आप विविधता की बात करेंगे, जैसे कि आप हिंडौन को ही ले लीजिए बच्चों, हिंडौन में यानी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जबकि गांव में जाओगे तो एक गांव के ही लोग मिलेंगे, लेकिन आप हिंडौन में देखोगे तो कई सारी जगह के लोग मिल जाएंगे। आसपास के कितने सारे गांव के लोग हैं जिनका घर गांव में तो है ही है, साथ साथ हिंडौन में भी है, तो उनके दूर के संबंध हुए कि नहीं। विभिन्न जातियों के लोग मिल जाएंगे, विभिन्न धर्मों के मिल जाएंगे, विभिन्न काम करने, विभिन्न तरह के काम करने वाले लोग मिल जाएंगे।
तो इस तरह से क्या है, ये द्वितीय समूह का निर्माण हो रहा है। अगर हम अगली विशेषता की तरफ बढ़ें तो देखें, इन समूह में जो सदस्य हैं उनका जो उत्तरदायित्व है वो सीमित होते हैं बच्चों। और नेक्स्ट जो है इसमें विशेषता, इनमें जो संबंध है वो संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं बच्चों। द्वितीय जो समूह हैं उनमें जो संबंध होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं कि ये जिम्मेदारी हमें दी गई है और हमें किसका निर्माण, जैसे कि मान लो आज हमें इस कॉलेज में ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं द्वितीय समूह के रूप में हूँ कॉलेज, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया स्कूल कॉलेज द्वितीय समूह में आते हैं, तो हम तुमसे प्रत्यक्ष रूप से ना जुड़कर अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। हम तुम्हें जानते नहीं तुम कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा घर है, क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं तुम्हारे स्टूडेंट हो, तुम्हारा क्या है, आपका दूर का रिश्ता है हमारा आपके साथ। ठीक है बच्चों, और अगली विशेषता देखें, संविदा का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस समझौता है हमारा आपके बीच में। ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति की समाज में अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, कुछ आवश्यकताएं प्राथमिक समूह से पूरी होती हैं, जैसे कि परिवार की, खेल कूद, नातेदारी, अड़ोस पड़ोस वाली बातें, ये सारी चीज़ें पड़ोस से हमारी पूरी होती हैं, हमारे परिवार से पूरी होती हैं, हमारी बेसिक जो कुछ जरूरत, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो हमारे बाहर से मतलब द्वितीयक समूह से पूरी होती हैं, जैसे कि विद्यालय वाली जितनी ज़रूरतें हैं, क्या घर से संभव है? हाँ, छोटे लेवल पर, जब तक आप 2-4-5 साल से कम की उम्र के हो तब तक तो 3 साल, मान लो आज के ज़माने तो बच्चा 3 साल का हो जाता है, तुरंत उसका एडमिशन नर्सरी वगैरह में करा दिया जाता है, LKG UKG वगैरह ऐसे चलता रहता है। पहले तो बच्चा बड़ा हो जाता था तो सारी पढ़ाई घर पे ही चलती रहती थी, बहुत बहुत मतलब कुल मिला के आज के परिदृश्य में देखें तो बालवाड़ी आंगनवाड़ी वगैरह भी तो शुरू हो जाती है, बच्चे का जो पढ़ाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करें विद्यालय की तो ये तो द्वितीय समूह में आता है। तो विद्यालय हम क्यों आते हैं? हमारी आवश्यकता है कि हमें शिक्षित होना है, हमें अपने विषय में मतलब विषय का ज्ञान, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, और हमें अपनी शिक्षा से जुड़ी एक डिग्री लेनी है, आगे हमें एक रोज़गार की तलाश करनी है, उस तरह की हमें अपने सांस्कृतिक कल्चरल हमें डेवलपमेंट करना है, नैतिक विकास करना है अपना, इस तरह से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मजदूर संघ है, मजदूर संघ में भी द्वितीय एक संबंध है, मैंने जैसा कि अभी तुम्हें बताया मजदूर से जुड़ी हुई समस्या। राष्ट्र भी हमारा दूर का रिश्ता है, मान लें हम भारत के नागरिक हैं लेकिन हमारा रिश्ता कैसा है? दूर का रिश्ता है। भारत में तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित सब लोग आ जाते हैं, भारत का अभिन्न अंग है वो, तो है कि नहीं? अगर वर्ग हिंदू धर्म के ले लो तो हिंदू धर्म के लोग भी भारत में आ जाते हैं, मुस्लिम धर्म के भी आ जाते हैं, जैन धर्म के भी आ जाते हैं और बौद्ध धर्म के भी आ जाते हैं, सारे लोग समाहित हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी उनका जो मीडियम कुछ भी रहा हो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। इस तरह से क्या द्वितीय समूह की बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने आपको द्वितीय समूह के बारे में बताने का प्रयास किया, लास्ट वीडियो हमने प्राथमिक समूह के बारे में बताया। ये किंग्सले डेविस ने चार्ल्स कूले ने ये दो तरह के बताए हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।